हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मर्जीना खान। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ मक्खन रेसिपी, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरह से मक्खन बनाती हूँ। यानी आप देखेंगे मक्खन किस तरह से बनता है मर्जीना स्टाइल में। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, मैंने एक बाउल में मलाई इकट्ठी की है और इस मलाई को मैं एक पतीले में डाल लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मलाई इसी पतीले में लगाती हूँ और इसको मैं एक विस्कर से मिलाऊँगी। और मैं हमेशा जो मलाई लगाती हूँ विस्कर के साथ लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो मलाई है इसके साथ अच्छे से लग जाती है, अच्छे से मिल जाती है और बहुत ही जल्दी इसके साथ लग जाती है। तो गाइस, मैंने मलाई को खूब चला लिया है और अब मक्खन लगने के लिए तैयार हो गया है। अब आप आगे देखेंगे कि दूध और मक्खन अलग हो गया है। तो देखिए, मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अब मैं एक नलके के नीचे रख दूँगी और इस मक्खन को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। तो देखिए, मैंने मक्खन के पतीले को मैंने नलके के नीचे रख दिया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा भर लूँगी। और देखिए, अब मक्खन जो है हमारा सारा ऊपर आ गया है और अब मैं मक्खन को अपने हाथों से मैं धो लूँगी इसको, और फिर अच्छी तरह धोने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए, तो हमारा सारा मक्खन ऊपर की तरफ आ गया है और कितनी आसानी से निकल रहा है। बिल्कुल अमूल मक्खन की तरह लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है। ये है बिल्कुल देसी जो हमारी गाय होती है उसका दूध का मक्खन। तो देखिए, मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है और मैं इसको इस बाउल में ही रखूँगी। अच्छी तरह से सेट कर दूँगी मैं इसको इसमें। और देखिए, जो और बच गया है मैं उसको भी इस बाउल में डाल लूँगी। तो देखिए, मक्खन देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा बच जाता है, इसको मैं निकाल लूँगी और इस पानी को मैं फेंक दूँगी। और इस मक्खन के साथ जो भी हमारे साथ एक्स्ट्रा जो पानी आया हुआ है मैं इसको भी बाहर निकाल दूँगी। तो मैंने इस पानी को बाहर निकाल दिया और अब देखिए हमारा मक्खन देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि गर्म गर्म परांठे के साथ मैं इसको सर्व करूं, और आगे मैं अभी परांठा बनाऊंगी और फिर मैं मक्खन के साथ इसको ज़रूर खाऊंगी। तो देखिए, मेरा परांठा भी रेडी है और मक्खन कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, कैसे लिए आपको मेरी मक्खन रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो को और भी मेरी वीडियोस हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।